कर्नाटक में चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का मुद्दा ढूंढ लिया है। मुद्दा है करप्शन। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने वोटिंग से पहले बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी करप्शन रेड कार्ड जारी किया है। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक बीजेपी सरकार में कोई काम कराने के लिए 40% कमीशन देना पड़ता है। जो रेड कार्ड जारी किया गया है उसका नाम है ट्रबल इंजन सरकार करप्शन रेड कार्ड 2019-2023। अगर इस रेड कार्ड को आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले उसमें सीएम पोस्ट की कीमत लिखी गई है। सीएम पोस्ट की कीमत 2500 करोड़ रुपए बताई गई, वही मिनिस्टर पोस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए दिखाया गया है। वही अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर रेट भी दिखाया गया है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या फिर ट्रांसफर चाहिए अपने पोस्ट से तो उसकी भी कीमत दिखाई गई है। सबसे पहले केएसडीएल की बात की गई है। केएसडीएल में 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की कीमत को दिखाया गया है। वहीं इस रेड कार्ड में इंजीनियर्स की भी कीमत दिखाई गई है। इंजीनियर्स में 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की कीमत को दिखाया गया है। वहीं अगर आप इस रेड कार्ड में नीचे आइएगा तो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के बारे में बताया गया जिसकी रेड कार्ड में कीमत 10 लाख है। कॉन्स्टेबल्स की भी रेड कार्ड में कीमत 10 लाख है। वहीं अगर दूसरे कॉलम में आइएगा तो जॉब रेट कार्ड भी दिखाया गया है इसमें, जिसमें बीडीए कमिश्नर का जॉब रेट कार्ड दिखाया गया है 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए, केपीएससी चेयरमैन का 5 से 15 करोड़ रुपए, वाइस चांसलर का 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए, एसीएन तहसीलदार का 50 लाख से 3 करोड़ रुपए कीमत दिखाई गई इसमें। वही अगर बात गवर्नमेंट डील्स की करें तो गवर्नमेंट डील्स को भी इस रेट कार्ड में दिखाया गया है। दिखाया गया कि कैसे कोविड-19 सप्लाईज के लिए कमीशन में 75% देना पड़ता है लोगों को। वही ये भी दिखाया गया कि रोड कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए 40% देना पड़ता है। एक सप्लाई के लिए 30% कमीशन देने की बात कही गई है कांग्रेस द्वारा। अगर आप इस रेट कार्ड को और भी ज्यादा ध्यान से देखिएगा तो इस रेट कार्ड में ये लिखा गया है कि 40% कमीशन वाली सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को पिछले 4 सालों में लूटा है। अब इस लूट को रोकना है तो बदलाव के लिए कांग्रेस को वोट करना है। आपको बता दें कि इस तस्वीर को राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वैसे अगर आप कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस के प्रचार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, डीके शिवकुमार हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी बीजेपी को करप्शन के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.